हेलो अभी विपुल से चेंज देख लेते हैं, कल मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। मल्टी स्ट्राइक को आए देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डिकोड कर लेते हैं और मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सोप से कहते भी आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट इसके पहले एक चीज आपको बतानी कि आज एक स्टॉक था टाटा पावर, वो 12% अप गया। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने ट्रेडिंग करियर में किसी मतलब अडानी के बाद कि ये एक स्टॉक TCS का जो इतना अच्छा ऊपर गया है, ये एज अ न्यूज लेंगे हम, है ना। मतलब 12% गया है, बहुत अच्छा ऊपर गया, मेरे ख्याल से टॉप गेनर है आज का, है ना। और इसके बाद एक चीज और कि अभी ये टाटा ग्रुप की 6th कंपनी बन चुकी है टाटा पावर, जो कि 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के अंडर में आती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट अच्छा हुआ साइडवेज ओपन हुआ, एक ही बार में ये गैप फिल कर दिया। यार एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा हम लोग को मिल जाता, बट नहीं, ये तो फॉलो थ्रू का था। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में प्रॉफिट कर लिया हो, दैट्स इट। मेरा तो नहीं हुआ, मैंने बाइंग साइड में एक ट्रेड किया था, उसी में प्रॉफिट हुआ, फिर दिन भर मार्केट साइडवेज में रहा आया। अभी देखते कैसे रिएक्ट करेगा। 50 MA पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ऑप्शन चेन देखेंगे तो 47,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं एंड 46,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, मतलब 500 पॉइंट की एक रेंज बना दी गई है। तो कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, 50 MA के नीचे जब तक नहीं जाएगा स्टिल मेरे लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। 50 MA के नीचे मुझको 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन चाहिए, लाइक कोई पुल बैक काइंड ऑफ समथिंग, है ना। इसके नीचे ही अगर मार्केट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा 46,500, एक क्योंकि मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया 46,500 का, तो जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट देखेगा 45,800, बहुत 600-700 पॉइंट की रेंज है फिर तो नीचे, अगर फॉल करना चालू किया तो, ठीक है। अपसाइड के लिए 46,900 और 47,000, ये 100 पॉइंट पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ये वाले लेवल पे, ठीक है। आज देखो इसी में स्क्वीज हो गया मार्केट। सो अगर ये लेवल ब्रेक करता है, पुल बैक मिलेगा, देन एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। दैट टू के हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, वो बनेगा 47,200। इसके ऊपर जाता है तो 47,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है ना। कल फ्राइडे है, उतना रिएक्ट नहीं करता मार्केट, है ना, बट कुछ कह नहीं सकते। कभी कभार यही ब्लैक फ्राइडे भी बन जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट इसी रेंज में है, देखो एक ही रेंज में है, 3 दिन हो चुके एक ही रेंज में। आप कहीं तो भाग गया तो ऊपर, भाग गया तो वापस नीचे आ जाए, तो ध्यान रखना कि कहीं का मोमेंटम मिस ना हो जाए, बस इसलिए, है ना। ये 46,900 तो एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ब्रेक होने पर एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेशन रहेगी। सो से कहते बैंक निफ्टी समझ गए होंगे, है ना, कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, सिंपल रखा है हमने ताकि आप लोग समझ पाए। अभी चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। सोप से कहते भी आपको दिख रहा होगा मेरे पास निफ्टी ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने का भी सेंस नहीं होगा कुछ, है ना, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, है ना, तो बैंक निफ्टी पे हम ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। बट निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो ये स्टिल मार्केट देखो 2-3 दिन हो चुके हैं इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेते, मतलब अभी सेलर्स इसको स्क्वीज करने का ट्राई कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल नो डाउट ये एक सपोर्ट लेवल है 20,850। देखो पूरी दुनिया जगत को दिख रहा है, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, एक बार यहीं पे क्लोजिंग कर दी, एक बार यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, दो बार यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ठीक है। मार्केट अच्छी चीज़ ये है कि 50 EMA है अभी हमारे पास। जब तक 50 EMA के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ये निफ्टी नहीं जाएगा, पुल बैक नहीं मिलेगा, जब तक डाउनसाइड के लिए कोई ऐसा मोमेंटम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऐसा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। 50 MA के नीचे गया, मतलब फॉर एग्जांपल 20,850 इज अ मेजर सपोर्ट यार, है ना। इसको ब्रेक करता है 20,800, जो कि एक लेवल ओपन होके आएगा, इसके नीचे जाता है तो फिर ये 20,740 एक नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे फिर स्पेस है जो कि मार्केट को 20,680 तक भी ले जा सकता है। अपसाइड के लिए जब अभी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है ना, मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स नहीं चाहते कि ये ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है डेट टू के निफ्टी में अपसाइड जाने के लिए। बट अगर 20,960 ये लेवल ब्रेक होता है, देन हो सकता है 40 पॉइंट का ऊपर गैप, मतलब एक टारगेट मिल जाएगा, जो कि सॉरी रेजिस्टेंस दिख रहा है 21,000 पे मेजर सेलर्स बैठे होंगे, डेफिनेटली सबको पता है। अगर इसके ऊपर जाता है और एक पुल बैक देता है, पुल बैक पर ट्रेड क्या होता है कई बार, मतलब हमको कॉन्फिडेंस हो जाता है, इसलिए हम पुल बैक पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना। निफ्टी के ऑप्शन चेन देखने का कोई सेंस नहीं है। अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे
ये मल्टी स्ट्राइक इसका देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, तो 46,600 46,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है जो कि हमने यहाँ पे भी देखा। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो ऐसे ही फ्री लर्निंग्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।